नाजिन, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जो आज शहर श्रीनगर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था और जिसमें जितने भी शहर श्रीनगर के जो लोकल्स हैं या जो कश्मीरी पंडित हैं वो यहां पे इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, लेकिन अब देख आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जो हमारे ड्यूकॉम साहब हैं वो भी इस वक्त यहां पे पहुंच चुके हैं इस प्रोटेस्ट में, और आप देख रहे होंगे कि उनके हाथ में भी प्लेकार्ड है जिसपे लिखा है स्टॉप टेररिज्म। हम कुछ देर में ही इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं। कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। पंडितों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद, जिंदाबाद। कश्मीरियत जिंदाबाद, कश्मीरियत जिंदाबाद। इंसानियत जिंदाबाद, हैवानियत मुर्दाबाद। दहशतगर्दी मुर्दाबाद। कुछ कहना चाहेंगे पिछले तकरीबन जो है 3-4 महीना अरसों से आप सब जानते हैं यहाँ लाल चौक पर कोई भी इनोसेंट की किलिंग होती है तो यहाँ कैंडल मार्च के द्वारा उसके आत्मा को शांति रखने के लिए, आत्मा को शांति मिले उसलिए यहाँ सभी लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी रिजेंटमेंट भी शो करते हैं। आज यहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं सिर्फ श्रीनगर में ही नहीं, कश्मीर के हर एक जिले में लोग इकट्ठा हुए हैं, अपने अपने जो मेन सिटी के जो चौराहे है उन पर और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनोसेंट चाहे हमारा पुलिसमैन है, यहाँ की लोकल कम्युनिटी में रहने वाला है या माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई मुलाजिम है, किसी भी इनोसेंट की किलिंग हरगिज किसी भी धर्म में जायज नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। और कम्युनिटी आज जो है उसके खिलाफ इकट्ठा होकर के उसके खिलाफ खड़ी हो रही है, एक अच्छी बात है। डेफिनेटली अब इसी से मैसेज ये जा रहा है कि अब इसको खत्म होने के दिन जल्दी आ गए हैं। As far as the protests are going on, in fact, we have seen today in Sheikhpur there was tear gas smoke shells were used against Kashmiri Pandit. Will there be any probe against why those tear gas smoke shells were used against Kashmiri Pandit? मैं definitely जो है हमारे मुलाजिम है वो difficult हालात में रह रहे, उनके जो भी service conditions related जो difficulties है, चाहे दूरदराज areas में posting से, transfer से, married couple के इकट्ठा लाने की बात है या उनके रेसिडेंशियल अकोमोडेशन की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन उससे वाफिक है और जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई कर रही है। विद इन वीक जो है उनके जो सर्विस रिलेटेड मैटर्स है एड्रेस किए जाएंगे। जहां तक रही उनकी परमानेंट अकोमोडेशन की बात, आज हमने 5000 में से तकरीबन 1500 का अकोमोडेशन कंप्लीट कर दिया है। आने वाले विंटर के पहले पहले बाकी बचा हुआ भी मुकम्मल करेंगे ताकि वो ठीक तरीके से रह सके, सेफ सिक्योर एनवायरमेंट देने का हमारा प्रयास है जी। आज जो मास रेजिग्नेशंस का रिपोर्ट्स ऐसा कोई रिपोर्ट्स नहीं है। डेफिनेटली सर्विस रिलेटेड कुछ एक डिफिकल्टीज है वो एड्रेस करेगी एडमिनिस्ट्रेशन। आपने किस संदर्भ में कहा सर, इसी किलिंग के बारे में कल जो बड़गाम? नहीं, उस संदर्भ में जो है आप कंसर्न डिपार्टमेंट से डिटेल में पूछ लीजिए मेरे ख्याल से जी। सर, और जो उनका कहना था कि हमारे ऊपर फोर्स यूज किया गया सुबह पुलिस की तरफ से, हमने जो है समझाने का प्रयास किया क्योंकि नॉर्मल सिविक लाइफ भी रहता है, उनका अपना प्रोटेस्ट करने का राइट है लेकिन नॉर्मल सिविक लाइफ भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उनको प्यार से समझाने का प्रयास किया। डेफिनेटली जो है उनकी जो डिफिकल्टी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने नोट की है और एड्रेस करेंगे विद इन वीक पीरियड। सर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपको लगता है कि जहां जहां पे भी हमारे जो कश्मीरी पंडित हैं जहां पे काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है जहां पे ये रिपोर्ट्स रखे जाए कि कहां पे कितने कश्मीरी पंडित हैं या उनकी सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह के जो है और ज्यादा जो है इंतजाम करने चाहिए? नहीं, डेफिनेटली करने की जरूरत है और करेंगे। शुक्रिया। नाजिन, जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि जो हमारे ड्यूकॉम है वो यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में जो है खुद भी आज शामिल हुए हैं और
इनका बाज़ाब्ता तौर पर ये कहना है कि जो हमने इनको अभी सवाल किया जिसमें हमने इनसे पूछा कि जहाँ जहाँ पे भी जो कश्मीरी पंडित है वो काम कर रहे हैं, क्या इस तरह की कोई हिकमत अमली अपनाई जाएगी जहाँ पे उनके तहफ़ के हवाले से जो है इकदाम उठाए जाएंगे, और इन्होंने बड़े ब्रीफली उसका जवाब दिया और कहा कि हाँ जो उसके हवाले से जो है इकदाम उठाए जाएंगे। तो अगर देखा जाए जो कल राहुल भट्ट की जो कल जो डेथ हुई उसकी जो लहर है आज जम्मू कश्मीर में जगह जगह देखी गई, और उसी हवाले से जो है आज उनकी याद में इस वक्त जो है ये कैंडल लाइट विजिल किया जा रहा है जिसमें हर तरह के जो है लोग देखे जा रहे हैं, चाहे वो यहाँ के लोकल्स हों या सोशल एक्टिविस्ट हो या जो कॉरपोरेटर्स हैं या जितने भी यहाँ के लोग हैं बाइज्जत शख्सियत, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि जो फारूक शाह रेंजू है वो भी इस वक्त इस जो है प्रोटेस्ट में यहाँ पे शामिल है, और इस वक्त जैसा कि अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर है संजय सराफ वो अभी ड्यूकॉम से बात कर रहे हैं और इसी हवाले से जो है बात की जा रही है, और इस वक्त जितने भी मीडियाकर्मी हैं वो यहाँ पे मौजूद है और ये जो तस्वीरें हैं आप तक पहुँचाई जा रही हैं, और इस हवाले से इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो यकजहती है भाईचारा है वो कश्मीर में कभी कम नहीं होगा, लेकिन ज़रूरत इस वक्त जो है अमन अमान की है और हर उस इकदाम की ज़रूरत है जिससे अमन अमान को वापस यहाँ जम्मू कश्मीर में बहाल किया जा सकता है। आप देख रहे हैं चैनल वन, मैं हूँ मीर उमर, श्रीनगर।